डायरेक्टर जनरल की नहीं कर रहे हैं हम, आप जो एक बात को समझने की कोशिश करें, ये इलेक्शन पुलिस कर रही है, ठीक कर रही है, ये आप अपना साबित करना चाहते हैं जो आप अरसे से कह रहे हैं कि पंजाब में हमें ना फौज की ना रेंजर्स की जरूरत है, खुदा के लिए इन पुलिस वालों को आगे रख के वो पुलिस वालों में आज ये कैपेसिटी नहीं है, इसमें आपका कसूर है। हमने पुलिस को उस लेवल पे लेके नहीं गए, हम सिर्फ बातों के माहिर हैं कि पुलिस लड़ेगी। और आपने कह दिया जी सीटीडी पुलिस, ये नाम लगा के क्या वो ऑपरेशन पुलिस अगर नहीं कर सकती तो रेंजर्स आप ही के हैं ना, जब रेंजर्स का नाम आता है, फौज का नाम आता है, आप कहते हैं नहीं जी प्रॉब्लम है, आप रेंजर्स को उस गुमशुदा इलाके में जहां कोई कनेक्शन है आप जैसे लोगों के, आप वहां उनको जाने नहीं देना चाहते, ये पूरी कौम जानती है, क्यों नहीं आप उनको साउथ पंजाब में जाने देते? आप बताइए, आपको नुकसान है उसका है कि आप अगर रेंजर साउथ पंजाब में जाएंगे तो वो इस कौम के लोगों को बचाने जाएंगे? एयर मार्शल साहब मुझे पता है, एजेंडा बनाते रहे इसको, आपका काम है एजेंडा बनाना। अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि आप मोटू के साथ हैं, छोटू वो छोटू मोटू के साथ आप हैं, किसका प्रॉपर्टी सारी कौन जानती है, आपके कनेक्शन किन से हैं, जंग में अकलदम जमातों के साथ आपके क्या कनेक्शन है, आप यहाँ बैठ के इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं, और आपको अपने अल्फाज जो है वो वापस लेने चाहिए। एतराज है आप तो आप इस पुलिस को इस्तेमाल करते रहे मॉडल टाउन में लोग मारने के लिए, इस पुलिस को काबिल नहीं बनने दिया आपने। आज फर्स्ट टाइम चोरों के साथ उसका हशर आपने देख लिया, ये ताहरुल कादरी का एजेंडा है, फैलाए की बात नहीं, हकीकत की बातें हैं जो आपको अच्छी नहीं लगती, अस्क्री बात हकायक से मबनी है। आपने रेंजर्स को साउथ पंजाब में क्यों नहीं जाने दिया, आपने उनका डेडिकेटेड ऑपरेशन क्यों नहीं होने दिया, ये कॉम्बिंग ऑपरेशन वहां किन किन को छुपाया गया, किसने छुपाया, जाने दें, हमारी फौज है, हमारे रेंजर्स हैं, वो बेचारे गरीब लोग ना उनके पास वेपन्स है जो है ना उनकी ट्रेनिंग है, और आपने अनाथ मसला बनाया हुआ, ये बनते रहे वो शहीद होते रहे, आप कहेंगे नहीं जी सीटीडी सब कुछ कर सकती है, वो पुलिस ये काम नहीं कर सकती, ये बंदा उसका मेंबर है, ये अंदाज रुकिएगा, सर इजाज़ साहब से सवाल करने दे राना साहब मुझे इजाज़ साहब ये